क्वेश्चन आंसर करते हैं इस मैटर को, नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम व्हेन इट वाज स्टार्टेड। ये इधर दूसरा क्वेश्चन है, पहला कर दूं इधर, या ये रहा है ना, मिड डे मील का पहला नाम क्या था। तो याद रखने का नुक्ता मैंने बताया था कि नेशनल सपोर्ट है ना, ये याद रखना है, प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन, ये इसका एम था। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम रीनेम्ड एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील। तो जो पिछला नाम करके आए हैं उसको बाद में 2007 में किया गया था ना, पहले 1995 में ये शुरू हुआ, ओके वो नाम था, और उसके बाद मिड डे मील 2007 में रख दिया गया, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लेटेस्ट नेम ऑफ मिड डे मील, ये नहीं भूलेगा, ये तो इजी है और एक यही क्वेश्चन शायद ज़्यादा आएगा, पूछा जाता है। पोषण पीएम है ना, प्रधानमंत्री भी पता है, पोषण बस याद है, शक्ति निर्माण है ना, शक्ति निर्माण ऐसे कुछ करके याद कर लो, राइट आंसर यही है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग हैज रीवैम्प्ड पीएम पोषण स्कीम हैज बिन लॉन्च्ड। 5 साल के लिए लॉन्च की गई है, हिंदी में पीछे रह जाएंगे हिंदी वाले, संशोधित पीएम पोषण योजना कब कब से कब तक के लिए शुरू हुई है, 5 साल के लिए है ये है। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेटेड पीएम पोषण स्कीम 2021-22। तो ये सेशन था ना, ये क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा है कि सेशन वो 5 साल वाला कौन है, तो 21-22 से शुरू होके, या 21 और 25 याद रख सकते हैं, 22 और 26 ये सेशन है। तो ये ऑड फिगर यही है, 1,30,794.90 करोड़ है ना, ये अप्रॉक्सीमेट पूछी जाएगी, इसलिए 130 लाख करोड़ इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन इज द पीएम पोषण स्कीम एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। पांचवा है यहाँ पर, छठवां आ गया, हाँ, पूरे भारत में पीएम पोषण योजना से कितने बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है, ये ठीक है ना, 11 था कुछ, ये आ रहा 11, ये रहा राइट आंसर, चल जा यार, हाँ चल गया 11.80 करोड़ बच्चों को है ना। व्हाट एडिशनल, ये बच्चों को आउट ऑफ वो आ गया कि ये मुझे भूलता नहीं है, 3.22 करोड़ है ना बच्चे अब भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट में है 3.22 करोड़ बच्चे अभी भी आउट ऑफ चिल्ड्रन हैं, उनको लाना है ना, तो ये भी शायद इनमें से कुछ शामिल हो जाएं, सारे तो नहीं होंगे इंडिया से, ये इतनी मेरे ख्याल में हम। व्हाट एडिशनल फोकस, हिंदी में साथ पढ़े सेवन्थ में, स्कूली बच्चों के पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के अलावा संशोधित पीएम पोषण योजना के किस अतिरिक्त फोकस पर ध्यान दिया गया है। स्कूली बच्चों के पोषण स्तर की निगरानी, हाँ है ना, मॉनिटरिंग था यार अभी पढ़ के आए हैं, मॉनिटरिंग के उनका IBM है ना, वो जो है वेट वगैरह जो है, 3 डायमेंशन थी। अच्छा तो ये राइट आंसर मिल गया। प्रोवाइडिंग लैपटॉप, हाई हाई लैपटॉप के वो राइट करना है, एनहांसिंग सपोर्ट फैसिलिटी, ये बड़े बड़ी चीज़ें हैं। अभी तो मैस्लो की हायरार्की का पहला लोएस्ट स्टेप है ना, दैट इज़ व्हाई। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट रोल इन ईच स्कूल अंडर पीएम पोषण योजना। 8th है हिंदी में भी। टीचिंग अकेडमिक्स नहीं, ये है मॉनिटरिंग अभी करके आया। BMI वेट लेवल एंड हीमोग्लोबिन, यस ये भूल गया था ना, तो साथ में ही वैसे ही क्वेश्चन अरेंज किए हैं तो इजी हो जाएगा। इन विच एरिया वुड स्पेशल प्रोविजन ऑफ फॉर न्यूट्रिशनल आइटम बी मेड अंडर, तो यो जहाँ पर एनीमिक बच्चे हैं है ना, एनीमिया ज़्यादा है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी हुई देखना है, एनरोलमेंट नहीं है, हाई रेनफॉल नहीं है, प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया है ना, अनीमिया इतना याद रहेगा मेरे ख्याल में, इतने में काम बन जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, इधर भी हिंदी में भी है, पीएम पोषण योजना के तहत जातीय, ये रहा ऐसे, जातीय व्यंजनों और नवीन मेनू को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित गतिविधि क्या है। पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कॉम्पिटिशन, कुकिंग कंपटीशन है ना, मिड डे मील की बात है, कुकिंग से ही शुरू होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इसके ये लंबे वाले क्वेश्चन, कई ऑप्शन है उसमें ये आ सकता है।
व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम, पीएम पोषण योजना के तहत जाती है, ये हो गया माध्यम में मुख्य उद्देश्य क्या है इसका। गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूली बच्चे को पौष्टिक छुट्टियों के दौरान, शाबाश। सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन नहीं, स्कूलों में खेल की सुविधाएं, स्कूलों में कला और संस्कृति टू एनहांस द फैसिलिटी, ये होगा के एनरोलमेंट, नामांकन है ना, वो मुझे नहीं पता लगा, इंग्लिश में पता लगा एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, ये ठीक है एनरोलमेंट, हिंदी में नामांकन कहते हैं, तो मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था, दैट इज़ वाई दोनों भाषाओं में देख लेना चाहिए। विच मिनिस्ट्री इज़ ऑथोराइज बॉडी टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम, तो ये तो ज़्यादा ही क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD कहा जाता था, है ना, दिस इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदी में शिक्षा मंत्रालय, ये मिड डे मील स्कीम को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, तमिलनाडु। ये हिंदी में किस वर्ष में मिड डे मील न्यूनतम 200 दिनों के लिए भोजन प्रदान करने वाली पकाई गई मिड डे मील योजना बन गई, है ना, कि 200 ग्राम मिनिमम वो मिलेगा, 2002 में हुआ था। ऐसे तो ये दो चार याद करने पड़ेंगे आपको, ऐसे कर लो, सौखा हो गया, 200 पूछा जाता है तो उसका 200 ऐसे कर दो, ठीक है। अगर इसका रिस्पांस में गड़बड़ है तो पिछले कंटेंट को वैसे वेरीफाई कर सकते हो। 15वां क्वेश्चन है, 2006 में मिड डे मील है ना, हाँ, MDMS, ठीक है, के तहत संशोधित ऊर्जा खपत क्या थी, कितनी कैलोरी थी। अब संशोधित में है, रिवाइज्ड में, पहले तो 300 थी, अब 450 नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 2015 में रिवाइज रूल बने हैं इसके नए, द न्यूट्रिशन वैल्यू वाज रिवाइज एंड 12 ग्राम प्रोटीन हुई है, ये लिखा है। नेक्स्ट 16वां, कौन सा अधिनियम मिड डे मील योजना की निगरानी में स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका को अनिवार्य बनाता है, इनमें से ऊपर करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये बनाता है भाई, दूसरा है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, यार वही तो है, ये तो आएगी नहीं, उसी की बात है, सिक्योरिटी एक्ट ने वो रूल बनाए हैं, लेकिन ये करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये पीछे डिस्कस नहीं हुआ, इसको इम्पोर्टेंट लेके चले, इसको इम्पोर्टेंट लेके चले। हिंदी में भी साथ, 17वां क्वेश्चन, कार्यान्वयन के किस मॉडल के तहत स्कूलों को खाना पकाने और पहुँचाने के लिए बाहरी संगठन, थोड़ा सा बात की थी, सेंट्रलाइज्ड मॉडल, सेंट्रलाइज्ड मॉडल में खाना बाहर की एजेंसी बनाएगी और स्कूलों में सर्व कर देगी, डिसेंट्रलाइज में लोकल ही बनता है, अभी तक डिसेंट्रलाइज ही दिखाई दे रहा है, लोकल स्कूल में बन रहा है ना। विच इंडेक्स रैंक, ओ माय गॉड, इस सूचकांक 2022 में भारत 121 देशों में से 107वां स्थान दिया गया है, जिसे एकीकृत बाल विकास योजनाओं के बावजूद बाल विकास में कमी और अल्प पोषण के मुद्दों को दर्शाता है। वैसे ये देखिए कि मेरे ख्याल क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने डाला है कि यार ये पीछे डिस्कस नहीं हुआ, हाँ, तो इसका राइट आंसर है, ये पहले देख लीजिए कि हमारा रैंक क्या है, मैं सेंसिटाइज करना चाहता था इसलिए क्वेश्चन बनाया है, 107वां है 121 में से, हम इतने भूखे रह रहे हैं, मैस्लो की हायरार्की में हालत देख लीजिए, वर्ल्ड की नंबर वन पॉपुलेशन हो चुकी है ना। राइट आंसर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पीछे बात की है इसकी, ग्लोबल 100, उसमें रैंक मेरे ख्याल 94 है, वो पहले की होगी रेटिंग, ये 2022 की मिली है, 2022 में हमारा 121वां रैंक है, हाँ ये ठीक है, ये पढ़ सकते हैं उसको, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे ख्याल में आपको इसमें, मोस्टली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत प्रदर्शन जो है इंडेक्स, इंडियाज रैंक 107 आउट ऑफ 121 कंट्री, GHI रैंकिंग, द क्रॉस स्कोर हमारा 29.1 आया है, इतने खाना मिल रहा है, द हंगर दैट इज़ वेरी सीरियस, ये सीरियस बोला है, इंडिया हैज़ स्लिप्ड 6 पोजीशंस फ्रॉम इट्स रैंक 2021 में, वो 20 का 94 था और 21 का ये जो है 101वां रैंक है
और अब 2022 में हमारा रैंक चला गया है 107। अब देख लीजिए क्या तरक्की हो रही है। अमीर लोग अमीर हुए हो जा सकते हैं, लेकिन जिनको खाना नहीं मिल रहा यार, जिस देश में खाना नहीं मिल रहा, कह रहे बाहर क्यों जाएं, बाहर क्यों जा रहे हैं। व्हाट इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन इनटेक ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी में 8th चिल्ड्रन अंडर मिड डे मील स्कीम? तो 20 ग्राम हो गया ये। नेक्स्ट है, इधर भी कर ले 20 क्वेश्चन। किस वर्ष शैक्षणिक रूप में पिछड़े ब्लॉक ईबीबी कक्षा 6-8 के बच्चों को मिड डे मील में शामिल किया गया? 2007 में। यहाँ पर सर्कल लगा लीजिए। व्हाट डज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 रिपोर्ट अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया? 21वां क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने दिखाया नहीं कि जो है 39% ऑफ चिल्ड्रन आर अंडर न्यूट्रिशन। अब ये हालत देख लीजिए इंडिया की है। आप उन बच्चों को कहोगे कि कुछ बन जाओ भाई, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, डी विटामिन नहीं है, B12 नहीं है, ये तो हमारे में नहीं है। हु रिसेंटली प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ मिल्क इन मिड डे मील स्कीम फॉर चिल्ड्रन करंट अफेयर में? वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। That is all. इस पर और क्वेश्चन बन सकते हैं, पार्ट सेकंड में वो करवा दूंगा, तो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, डीप नॉलेज वाले होंगे, ये सरफेस वाले। थैंक यू।